mira ahí también. Ahí es, ahí es. Ahí es. Namaste, ma'am. Namaste, sir. Betty, Betty. थैंक यू. महिमा, महिमा का क्या अर्थ होता है? महिमा का मतलब होता है यश, बढ़ाई. कॉमर्स से आपने ABST से MCOM किया था? हाँ सर. कुचामन सिटी से? हाँ सर. आपकी एजुकेशन कुचामन सिटी का ही है? हाँ सर. कुचामन सिटी राजस्थान में किस लिए प्रसिद्ध है? सर, ये यहाँ का जो किला है वो जागीरदारों का सिरमौर किला है, और उसके अलावा वर्तमान समय के अंदर नागौर जिले की जो शिक्षा नगरी है वो बोला जाता है कुचामन सिटी को. शिक्षा नगरी. और यहाँ पे नमक उद्योग है. किस तरह की शिक्षा? तो एकेडमिक एजुकेशन भी काफी है, और उसके अलावा जो डिफेंस एकेडमी है वो वर्तमान में काफी बढ़ रही है वहाँ पे. नागौर जिले में कितनी तहसील आती है? नागौर जिले में 13 तहसील हैं. 13 तहसील. और विधायक? विधायक 10 विधानसभा क्षेत्र है, 10 विधायक है वहाँ. अच्छा. नागौर में 2 अक्टूबर 1959 हमारे देश में कोई नवीन शुरुआत हुई थी, पंचायती राज की स्थापना हुई थी. तो नागौर से क्यों हुई थी? देश तो बहुत बड़ा है, प्रधानमंत्री साहब और जगह भी जा सकते थे, नागौर ही कैसे आए थे? सर, उससे पहले राजस्थान में शुरू हो चुका था, और जो चूंकि जो नागौर है वो राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है. अच्छा. उस वजह से, और कुछ उस समय जो प्रधानमंत्री जी थे उनकी जो नागौर से MP थे उनसे थोड़ी नजदीकियां थी. नजदीकियां थी. RS में आपके 4 पेपर होते हैं? हाँ सर. चारों में कुछ पेपर मेजर हैं, बड़े भी हैं, कुछ छोटे भी हैं. इनमें एथिक्स किस पेपर में आता है? एथिक्स सेकंड पेपर में आता है. सेकंड पेपर में. एथिक्स क्या है, किसे कहते हैं एथिक्स? नीति शास्त्र क्या होता है इसमें? सर, जो मूल्य होते हैं, सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य, उनका अध्ययन किया जाता है. नागौर में प्रसिद्ध लोक देवता जो आपके सिलेबस में भी है? तेजाजी. तेजाजी के अलावा हरिराम जी और कल्ला जी, हड़बू जी. आप नागौर से हैं? हाँ सर. नागौर में जिप्सम उद्योग भी है? हाँ सर. कौन सा इलाका आता है जिप्सम उद्योग नागौर का? गोट मांगलोद, भदवासी, पीलनवासी. अच्छा. महिला साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए आप एज ए ऑफिसर क्या प्रयास करेंगे? आपने बोला था कि वहाँ महिला साक्षरता दर नागौर में कम है, और आपने उसके कारण भी बताया कि इस कारण की वजह से कम है, तो आप एज ए ऑफिसर आप कैसे बढ़ा पाएंगे उसको? सर, सबसे पहले तो जो दिक्कत है साक्षरता कम होने में वो है जागरूकता की कमी है. लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है, तो मैं सबसे पहले तो यही प्रयास करूंगी कि जो जागरूक किया जाए. उसके बाद जो पिछड़ापन है, गरीबी है, उस वजह से लोग स्कूल्स भेजते नहीं हैं, तो उसके लिए लोगों को जागरूक करना, और सरकार की जो योजनाएं चल रही है महिलाओं के लिए, तो उससे लोगों को अवेयर करूंगी. अच्छा, आपकी नागौर की महिला साक्षरता दर है क्या? 47.82%. चलिए, मुझे बताइए बैड बैंक कॉन्सेप्ट क्या है? जो NPA होता है वर्तमान समय में, जो NPA की समस्या बढ़ रही है, उसके तहत जो बैड बैंक होते हैं वो बैंक से NPA ले लेते हैं. मतलब जो बैंक के NPA होते हैं उनको ले लेते हैं, तो वो फिर बैड बैंक से, जिससे कि सरकार, ये जो बैंक है उनका NPA कम हो जाता है. NPA क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होती हैं, जो कि जो भी ऋण दिया जाता है, अगर उस ऋण की और उसके जो मूल ब्याज और मूलधन दोनों की अगर 90 दिन तक प्राप्ति नहीं होती, तो उसको NPA में डाल दिया जाता है. आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो लोअर कैडर की लेडीज हैं, जो हमारे घर में बाइयाँ काम करती हैं या जो BPL, वो इस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं. उन पर अत्याचार होते हैं, घरेलू हिंसा होती है. आप इस चीज़ के लिए क्या करेंगे? अगर आप SDM बनती हैं, तो आप वो जो BPL बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं उनके लिए क्या करना चाहेंगे, उन महिलाओं को जागृत करने के लिए कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ें, उनके अधिकारों तक पहुंचाने के लिए क्या करेंगे? मैम, सबसे पहले तो जो भी इस टाइप की मेरे, मतलब जहाँ पे भी मैं पोस्टिंग होंगी, एरिया में औरतें होंगी, मैं एक बार शिविर आयोजन करूँगी,
उसके तहत महिलाओं को समझाऊंगी कि नहीं मतलब अत्याचार वगैरह नहीं, और उनके लिए जो कानून बने होंगे जैसे कि घरेलू हिंसा हो या फिर और भी कोई जैसे उनके साथ दुर्व्यवहार होता है उससे संबंधित जो कानून है उनकी उनको जानकारी दूंगी, क्योंकि जो महिलाएं हैं मतलब जैसे कि अब जो काम वगैरह करती हैं तो वो कहीं ना कहीं खुद समर्थ तो होती है, वो कमा भी रही है, आत्मनिर्भर भी है, लेकिन उनमें जागरूकता का अभाव है, इस वजह से उनको हिंसा का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो इसके प्रति जागरूक नहीं है। तो मैं उनको इनके प्रति जागरूक करूंगी उनके अधिकारों के।